अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, संध्या चुल्ला में तौबा नीक आपका वेलकम करती हैं। और आज मैं आपके लेके आई हूँ शाही कद्दू का हलवा। तो आइए स्टार्ट करते हैं तौबा के स्टाइल में। तो व्यूवर्स, 3 से 4 स्पून मैंने देसी घी के लिए हैं। अगर तो आपको अच्छा लगे जायका इलायची तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाज़ लोग इलायची नहीं पसंद करते तो वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये 3 अदद मैंने लिए है कद्दू के। इसको मैंने कद्दूकश करके अच्छी तरह से बॉयल करके इसको ठंडा कर लिया है। ये 3 अदद हमारे कद्दू हैं। अब ये इसको हम घी में ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हमने ये घी को भून लेना है देसी घी के अंदर अच्छी तरह से। तो जब इसका कलर चेंज होगा तब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने 15 मिनट इसको भून लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो छोटा 1/2 कप है वो मैं चीनी करी है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आप किसी भी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी ऐसे ही डाली है। तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। तो व्यूअर्स देखिए, चीनी हमारी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 अदर स्पून के मैंने लिए खोए के, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आप इंशाल्लाह ये ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 से 4 स्पून मैंने वो बादामी है वो कटिंग किए हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, खोया डालने के बाद इसको मैंने 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। अब हमारा कद्दू शाही कद्दू का हलवा अब हमारा तैयार हो चुका है। आइए व्यूअर्स, अब इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा शाही कद्दू का हलवा तैयार है। नाज़रीन, इसको घर में आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।